कि E20 फ्यूल से रन करने के लिए बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है जगह, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनी सलूक निकाल के दे रहा है बाकी। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS200 के बारे में, जिसमें अब आपको टोटली एक नया कलर मिल जाता है, जिसमें आपको देखते हैं सिल्वर के साथ में ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप पास आ जाओ, पहले चेकआउट करते हैं, तो आपको इसमें पूरा एक नया ही कलर मिल जाता है नए ग्राफिक्स के साथ में। तो इसमें अब आपको 2023 में E20 और Obito का भी सपोर्ट मिलता है। तो उसके आने के बाद क्या इसकी प्राइस है, क्या इसकी माइलेज पड़ने वाली, सारी डिटेल आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वॉक ऑन वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी पूरी लुक दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से अगर देखते हैं तो आपको इसमें पूरा टोटली एक नया कलर देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप देखते हैं तो इसमें आपको सिल्वर टाइप में मिल जाएगा एक नया कलर्स में, जिसमें आपको मिलते हैं ब्लू कलर के ग्राफिक्स। जैसा कि आप यहाँ से अगर देखते हैं तो आपको ये टोटली नया ग्राफिक्स और नया कलर का ऑप्शन इसमें आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट में अगर मैं आपको इसकी पूरी प्रोफाइल दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप इसके हेड हैंडल और ORVM के डिज़ाइन को देखिए, तो आप इसकी लुक को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बल्की सी लुक निकल के आएगी। सबसे पहले फ्रंट वाइजर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बजाज की बैजिंग मिल जाएगी, स्टिकरिंग यहाँ पर दे रखी है। बाकी फ्रंट में आपको मिल जाती है कुछ तरीके की इसकी विंडशील्ड, जो कि ब्लैक कलर में दे रखी है, और फ्रंट का वाइजर आपको कुछ इस तरीके की नेकेड लुक का मिलने वाला है। बाकी साइड में आप देखते हैं तो ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और फ्रंट लाइटनिंग सेटअप की बात करता हूँ, तो इसमें आपको मिल जाता है पूरा हेलोजन बल्ब का सेटअप। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके, तो पहले अगर ऑन करेंगे तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं पायलट लैम्प, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं हेलोजन वाले हैं। उसी के साथ में अगर इसकी हेडलाइट ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरीके की आपको इसकी हेडलाइट मिल जाती है फ्रंट में हेलोजन बेस्ड वाली। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है इसकी लाइट का आपको। ओपन करता हूँ मैं, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, जो कि हल्के फुल्के फ्लेक्सिबल हैं, और ये भी आपको मिलते हैं हेलोजन बेस। बाकी यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रंट का जो इसका सस्पेंशन है, आपको USD मिल जाएगा, यानी कि अपसाइड डाउन फोक आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिलने वाला है, जो कि इसके फ्रंट के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। बाकी इस गाड़ी में मिल जाता है आपको डबल चैनल ABS, जो कि इसकी सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके लिए माना जाएगा। और फ्रंट का अलॉय व्हील का पैटर्न आप यहाँ से कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और फ्रंट की बात करता हूँ, तो इसमें मिल जाता है 100x80 सेक्शन का टायर, और 17 इंचेस के ओवरऑल कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील मिलेंगे, जिनका पैटर्न देखने में काफ़ी शार्प सी आपको लुक निकाल के देता है। बाकी अलॉय व्हील के ऊपर में स्टिकरिंग मिलेगी, फ्रंट के टायर की ग्रिप कुछ इस तरीके की है, और फ्रंट में आपको इसमें मिल जाएगी 300mm की डिस्क, यानी कि 300mm की डिस्क मिलती है आपको यहाँ पर डबल चैनल ABS के साथ में। बाकी यहाँ पर आपको क्रेमिका के इसमें कैलिपर भी मिलने वाले हैं। बाकी फ्रंट से मैंने आपको इसकी वाइजर की लुक दिखाई दी। बाकी टैंक की अगर बात करता हूँ उधर से आके, तो फुल नेकेड सी लुक निकल के आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। बाकी पल्सर का यहाँ पर आपको ब्लैक में, यानी कि आप देखते हैं तो ब्लैक 3D में आपको यहाँ पर इसका लोगो मिलने वाला है पल्सर का, जो कि बैजिंग है यहाँ पर 3D में। और इस साइड पर जो इसका चेंजमेंट हुआ है, तो आप देखते हैं नया कलर और नया ग्राफिक्स यहाँ पर आपको ब्लू कलर में यहाँ पर मिल जाएगा एक ग्राफिक, और 200 यहाँ पर आपको सिल्वर में लिखा मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनी सलूक निकाल के दे रहा है। बाकी यहाँ पर भी ब्लू कलर की बैजिंग मिल जाएगी। और उसी के साथ में अगर बताता हूँ कि E20 फ्यूल से रन करने के लिए बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इस साल का सबसे ज़्यादा इसका लेटेस्ट मॉडल है। बाकी यहाँ पर टैंक पैड आपको मिल जाता है रबर कवरिंग के साथ में। उसी के साथ में यहाँ पर FI आपको मिलने वाला है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन, और यहाँ पर आपको वेंट टाइप में डिज़ाइन, यानी कि जाली टाइप में डिज़ाइन के साइड पैनल ऊपर में मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी में मिल जाता है 6 गियर बॉक्स का सिस्टम। उसी के साथ में इंजन ऊपर में आपको बजाज की बैजिंग मिल जाएगी, इंजन काउल मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको मिलती है इसमें रेडिएटर कूलिंग का सिस्टम, यहाँ से आप देखते हैं अगर। बाकी यहाँ पर बजाज की बैजिंग है, इंजन काउल के ऊपर में भी आपको मिल जाते हैं नए वाले ग्राफिक्स इसके ऊपर। बाकी 168 यानी कि 168mm की मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी दे रखी है। और यहीं पर आप देखते हैं तो 6 स्पीड गियर बॉक्स सिस्टम है, 1 डाउन एंड 5 अप वाला सिस्टम मिलेगा। साइड डिस्टेंस इंजन कट ऑफ मिल जाएगा, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाएंगे, जिनकी क्वालिटी देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी आपको पीलन वाले भी एडजस्टेबल ही मिलने वाले हैं। बाकी सीट की मैं बात करता हूँ, तो स्पीड सीट का ऑप्शन मिलता है आपको, जिनका कम्फर्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ आके, तो पीलियन वाली आपको हल्की सी हार्ड लगेगी, बाकी ये वाली काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। स्पीड सीट का ऑप्शन मिलता है 807 यानी 807mm की मिल जाती है आपको इसकी सीट की हाइट, आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। उसी के साथ में 12 लीटर की मिलती है आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी,
और बैक में आपको यहाँ पर NS200 की बैजिंग मिल जाएगी, स्टिकरिंग है ये और ग्राफिक्स मिल जाते हैं। स्प्लिट में मिलते हैं आपको इससे ग्रैब हैंडल जो कि ब्लैक कलर के हैं, बाकी टेल लाइट डिजाइन आप यहाँ से कुछ तरीके से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर आपको साइड वाले मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबल मिलने वाले हैं हैलोजन बेस के साथ में। बाकी बैक में आपको एक मिलने वाला है इसमें मोनोशॉक वाला सस्पेंशन रेड कलर का जो कि आप बैक से देख सकते हैं। बाकी रियर टायर की बात करते हैं तो 130/70 R17 17 इंचेस के बैक में भी आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। बाकी 230mm की मिल जाती है। बैक की डिस्क आपको यहाँ पर आप देख चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कैलिपर और इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS तो मिलता है। बाकी यहाँ पर एक मड फ्लैप दे रखा है, एक आपको मिल जाता है बड़ा सा टायर अगर। बाकी यहाँ पर रियर बैक का पैड और DTSI की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी और इंजन काउल के साथ में स्पीड मिल जाते हैं आपको इससे क्रैश गार्ड। यहाँ पर मैं आपको इसकी बार हैंडल दिखाता हूँ तो आपको मिल जाती है इसमें स्पीड क्लिप ऑन वाली बार हैंडल स्पोर्टी वाली। बाकी यहाँ से साइड में का डिजाइन आप देख सकते हैं। उसी के साथ में अगर इसका मीटर दिखाऊं तो उसके पहले की दिखा देता हूं आपको, तो इसमें मिलती है वेव की जो कि सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस साइड पर की होल्डिंग दे रखी है, लगाते हैं और इसका मीटर कंसोल ऑन करते हैं। अगर इसके मीटर की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें आपको बीच में एनालॉग मिल जाता है RPM मीटर, बाकी यहाँ पर गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाएगा, एक डिजिटल क्लॉक, स्पीडोमीटर, फ्यूल गोज का ऑप्शन, बाकी ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ इस साइड से, यहाँ पर आप देखते हैं डिस्टेंस टू EMPT वाला ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप इसको खोलेंगे अगर तो DTE मिल जाएगा, बाकी पर किलो एवरेज मिल जाता है आपको। यहाँ से आप देखेंगे ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर, तो आप जैसा कि यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर दिखाता हूँ मैं आपको तो बजाज की यहाँ पर गियर इंडिकेशन मिल जाएगी, बाकी बजाज के लोगो, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, चेक इंजन के साथ में आपको यहाँ पर कुछ तरीके का मीटर कंसोल मिल जाता है। RPM लिमिट मिल जाएगी आपको यहाँ पर। स्विचेस की बात करता हूँ तो आप पासिंग मिल जाता है, डेडिकेटेड स्विच आपको मिलेगा अपर डिपर के साथ में, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच आपको मिलने वाला। बाकी यहाँ पर मिल जाते हैं बारेंस, क्लच का लीवर से काफ़ी लाइट है। इस साइड पर इंजन का स्विच मिल जाता है, शेल के साथ में एक्सेलेटर और फ्रंट ब्रेक का लीवर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी इस साइड से आप इसकी पूरी प्रोफाइल को देख लीजिए। उसी के साथ में अब मैं अगर आपको इसका इंजन के बारे में बताता हूँ, आपको मिल जाता है 199cc का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि रिलीज करता है आपका 24.5 PS की मैक्सिमम पावर 9750 RPM पर। उसी के साथ में 18.74 NM का टॉर्क रिलीज करता है आपका ये 8000 RPM पर, जो कि इसका पावर फिगर है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बाकी उसी के साथ में 200cc सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाली बाइक आपकी बन जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट दे देता हूँ। तो चलिए भी इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में इतना सब कुछ चेंज होने के बाद क्या इसकी प्राइस पड़ने वाली है ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको पड़ जाती है 181,243 रुपीज़ की, यानी कि 181,243 रुपये की ये गाड़ी आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ जाती है। उसी के साथ में अगर मैं आपको शोरूम का एड्रेस दे दूँ तो ये अपना सोसाइटी बजाज जो कि मैक्रोबर्टगंज कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आप आके कोई भी बजाज के प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं। तो कुछ ये थी इसकी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।